जो नॉन्स बनाए उसके पालन के बिना दफनाया या जलाया जा रहा है, छुट्टी दी जा रही है उनको ताकि लोग देखिए दफनाने या जलाने का भी इशू कल चर्चा में आया था। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें आदेश भी जारी करूँगा मैं, जो ICMR की गाइडलाइंस हैं दिल्ली की, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है दिल्ली से, उसमें दफनाना भी अनुमति है और जलाने की अनुमति भी है। धर्म के हिसाब से किया जाता है ये सब चीज़ें। जिन धर्म में आप शमशान में ले जाके आप उनको अंतिम संस्कार करते हैं, जलाते हैं, वो भी अनुमति है उसकी। और जिन धर्म में अपन कब्रिस्तान ले जाके अगर अपन उसको दफनाते हैं उसकी अनुमति भी है। बस ये उन्होंने लिखा है उसमें कि जो कोविड पेशेंट्स है उसमें लेप प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी का प्रोटेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ना चाहिए। जो सामान तो 3 से 4 फीट है उसका, वो उसमें फिट मेंशन नहीं है, पर उनका कहना ऊपर बॉडी नहीं रखी जाएगी, क्योंकि जो इनकी गाइडलाइंस है उसमें कितने फिट पर दफनाएंगे आप, कितने नीचे, उससे मतलब नहीं। इनको बस ये है कि ऊपर ना रखी रहे बॉडी और लेप प्रॉपर हो बॉडी पे, जो भी प्रोडक्शन है। बाकी सर इसमें असल में ये हुआ कुछ मामलों में कि बॉडी मतलब बॉडी में आदमी की डेथ हो गई, उसका टेस्ट गया हुआ था, डॉक्टर अस्पताल ने उसको छुट्टी दे दी, घर ले गए और 2-1.5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इस तरह की जब चीज़ें देखिए, टाट पट्टी बाखल में जो हो रहा है वो जो आप बता रहे हैं वही नतीजा है। टाट पट्टी बाखल में भी ऐसी था कि जो डेथ हुई थी उनको बाद में रिजल्ट आया, कोई लापरवाही हुई थी उस तत्समय और उसमें वो बॉडी चली गई, उसमें लोग शामिल हो गए शव यात्रा में, उसका वहाँ इतना ज़्यादा फैला है वहाँ पर। तो ये चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए जो ये मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ सब जगह डॉक्टर्स की या निजी अस्पताल वालों का आदेश जारी कर रहा हूँ, उसमें इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये कि किसी प्रकार की लापरवाही इस समय शव में योग नहीं है। चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे निजी डॉक्टर हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, चाहे आम जनता कोई व्यक्ति हो, चाहे मीडिया हो, कोई भी, इस समय जो अपन फाइट कर रहे हैं एपिडेमिक की, सबको मिलके करना है फाइट ये।